नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, कमेंट्स वाली सीरीज चल रही है, काफी ज्यादा पसंद आप लोगों के द्वारा इस सीरीज को किया गया। मुझे भी काफी खुशी हुई कि आप लोगों ने इस सीरीज को इतना ज्यादा पसंद किया, इसीलिए इस सीरीज लंबी होती जा रही है। कोई बात नहीं, आपके डाउट्स क्लियर होने जरूरी हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपको करना है, इन्वेस्टमेंट जर्नी आपको शुरू करनी है, डाउट्स क्लियर होने बहुत जरूरी है। देखिए, कुछ व्यूअर्स ना नाराज भी बहुत हो रहे हैं। एक व्यूअर ने मेरे कमेंट किया है, उनका नाम तो इसमें शो नहीं हो रहा है, कुछ मेल आईडी से उनके कमेंट आया। उनका कहना है कि सर, मैं आपकी वीडियो देखनी बंद करने वाला हूं अब, क्योंकि आप मेरा कमेंट ही पिक नहीं कर रहे। पहले उनके कमेंट पर ही आज की वीडियो में मैं बात करूंगा, उसके बाद जिस कमेंट को मैंने वीडियो के लिए पिक किया है उस पर मैं बात करूंगा। देखिए, सर का जो कमेंट है, इन सर का कहना है कि मुझे लमसम इन्वेस्ट करना है और एक साल से कम के लिए करना है। देखिए सर, काफी वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि आप बहुत ज्यादा अगर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर आप म्यूचुअल फंड में मत इन्वेस्ट कीजिए, आप उस पैसे को बैंक में एफडी वगैरह करा दीजिए। क्योंकि देखिए, म्यूचुअल फंड में इतने शॉर्ट टाइम में आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं मिल पाएंगे, मतलब रिस्क आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। म्यूचुअल फंड से अगर आपको अच्छे रिटर्न्स लेने हैं तो आपको उस पैसे को लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना होगा। इसीलिए सर, मैं आपका कमेंट पे वीडियो नहीं बना रहा था, क्योंकि आपका कमेंट थोड़ा सा, क्योंकि मैं समझा भी चुका हूं उस चीज को, फिर भी आपका कमेंट इसी तरह का था कि मुझे एक साल से कम समय के लिए पैसे को इन्वेस्ट करना है, तो सर आप बिल्कुल बैंक में एफडी वगैरह उस पैसे की करा दीजिए, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा। क्योंकि देखिए, शेयर मार्केट बहुत फ्लक्चुएशन में है, अभी मार्केट अप डाउन काफी चल रहा है, तो इतने कम टाइम के लिए आप म्यूचुअल फंड को छोड़ दें तो आपके लिए मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपकी नाराजगी मुझसे कुछ दूर हुई होगी। बाकी देखिए, और भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि मेरे कमेंट्स पिक नहीं हो रहे हैं, सर मेरा कमेंट कब पिक करेंगे। कोशिश करेंगे दिन में 3 वीडियो बनाने की, देखते हैं 3 वीडियो बना पाएंगे नहीं, 2 वीडियो बनाने भी सर बहुत मुश्किल हो जाती है। चलिए बाकी देखते हैं, बात करते हैं दोस्तों आज के कमेंट की। आज का कमेंट जो मैंने पिक किया है, इनका नाम हेमंत कुमार पाल है। इनका कहना है कि मैं 36 साल का हूं, मैं लमसम भी करना चाहता हूं, SIP भी करना चाहता हूं अगले 25 साल के लिए, लेकिन करना सिर्फ SBI में। ठीक है सर, कोई बात नहीं, आपने SBI को चुना है, SBI भी बड़ी कंपनी है, अच्छे रिटर्न्स SBI से भी हमें मिलते हैं और अच्छे अच्छे फंड्स भी SBI में हमें देखने को मिलते हैं। देखिए सर, दोनों तरह से आपको इन्वेस्टमेंट करना है, 1.5 लाख रुपए का लमसम और 3,000 रुपए की SIP। समझते हैं कि कौन से फंड्स आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेंगे। दोस्तों, आप सभी लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहां एक एक चीज मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, वीडियो को लेकर किसी भी तरह कोई कंफ्यूजन हो या कोई सुझाव आप मुझे देना चाहते हो, बिल्कुल मैं आप लोगों के कमेंट का वेट करता हूं, आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं। देखिए, इनको सर को लमसम भी करना है और SIP भी करनी है, दोनों जगह इनको पैसा इन्वेस्ट करना है। अच्छी बात है, लोग जागरूक हो रहे हैं म्यूचुअल फंड को लेकर, काफी लोगों में जानकारियां बढ़ी हैं और लोगों ने समझा है कि हाँ, इससे अच्छे रिटर्न्स बनाए जा सकते हैं। अच्छी बात है, जिन लोगों के मन में अभी भी डाउट है, कमेंट्स वो भी मुझे कर सकते हैं। देखिए सर, लमसम आपको करना है 1.5 लाख रुपए। देखिए सर, सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें म्यूचुअल फंड में, जैसा कि आप मेरे अगर रेगुलर व्यूअर्स हैं, आप मेरी वीडियोस को देखते भी होंगे, समझते भी होंगे, सब कुछ डिपेंड करेगा आप रिस्क कितना ले सकते हैं। देखिए, ड्यूरेशन आपकी बहुत बढ़िया है, मतलब जबरदस्त ड्यूरेशन आपने रखी है 25 साल की, अच्छे रिटर्न्स भी आपको मिल सकते हैं। अब बात आती है 1.5 लाख रुपए जो आपको लमसम करने हैं। देखिए, यहां पर मैं आपको 2 ऑप्शन देना चाहूंगा, क्योंकि आपकी ड्यूरेशन अच्छी है, आप चाहे तो SBI मैग्नम में इन्वेस्ट इसको कर सकते हैं। SBI मैग्नम, ये मिड कैप कैटेगरी है, मिड कैप में आप चाहे तो इसमें कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन की मैं बात करूं, आप चाहें तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए, 2 सजेशन मैंने आपको क्यों दिए हैं। देखिए, SBI मैग्नम मिड कैप फंड एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है, यहां आपका मिनिमम 65% पैसा उन कंपनियों के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाएगा जो रैंकिंग वाइज 101 से लेकर 250 तक आती हैं। वहीं अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को चुनते हैं, यहां आपका सारा पैसा इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाएगा, बाकी और कहीं नहीं किया जाएगा। तो यहां जो पैसा इन्वेस्ट होगा वो बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट होगा, जहां आपको रिस्क इसके मुकाबले काफी कम देखने को मिलेगा। तो
तो ये मेन डिसीजन आप ही का रहेगा कि आप पैसे को ज्यादा रिस्क में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर कम रिस्क में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। देखिए, अगर आप मैग्नम मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं, यहां जो रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं, लगभग लास्ट के 10 इयर्स के औसत रिटर्न की बात कर रहा हूं, 19% के रिटर्न्स एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड ने पिछले 10 साल में हमें निकाल कर दिए हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया है। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की बात करूं, यहां लगभग 14% के रिटर्न्स हमें इस फंड ने बनाकर दिए हैं। रिटर्न्स में काफी अंतर है, उससे ज्यादा अंतर इनके रिस्क में है। तो आप रिस्क कितना ले सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपके रिस्क टॉलरेंस अच्छी है, आप रिस्क ले सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं है, 1.5 लाख रुपए आपने समझ लिया कि हाँ मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूं, आप एसबीआई मैग्नम मिड कैप के साथ जा सकते हैं। देखिए, ड्यूरेशन आपकी अच्छी है, 25 साल की, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए मिड कैप के साथ भी जाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ऑप्शन इसलिए मैंने रखा है, अगर आप थोड़ा सेफ साइड रहना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि मैं बहुत ज्यादा रिस्क लूं, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको रिटर्न लगभग 13-14% के देखने को मिल सकते हैं। ठीक है सर, ये हो गया आपका लमसम का टॉपिक। अब आते हैं एसआईपी पे। एसआईपी में आपको इन्वेस्ट करना है 3,000 रुपए पर मंथ। ठीक है सर, 3,000 रुपए पर मंथ आपने डिसाइड किया हुआ है कि मुझे स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट करना है, सॉरी एसबीआई में ही इन्वेस्ट करना है। आपको क्या करना चाहिए, इन 3,000 रुपए को आप दो जगह डाइवर्सिफाई कर लीजिए। 2,000 रुपए महीना आप रखिए स्मॉल कैप में, एसबीआई स्मॉल कैप। बाकी के जो 1,000 रुपए महीना है आपके, उनको आप रखिए लार्ज एंड मिड कैप में। आप इस तरह से अपना पोर्टफोलियो बनाइए, पैसे को डाइवर्सिफाई कीजिए, ताकि फ्यूचर में आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सके, आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो सके। मेन उद्देश्य यही है आपके पैसे को बांटने का दो जगह, ताकि आपके रिस्क को भी बांटा जा सके। ऐसा ना हो कि आपने केवल स्मॉल कैप में ही सारे पैसे लगा दिए, उस समय मार्केट कंडीशंस अच्छी ना हो तो आपके रिटर्न्स डाउन हो जाए। पैसे को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट कीजिए। 3,000 की एसआईपी है, दो फंड्स लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन्वेस्ट आपने पहले से तय किया हुआ है कि आपको एसबीआई में ही करना है, तो आप इस तरह से अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। देखिए, 25 साल की ड्यूरेशन है, स्मॉल कैप ने लगभग 23% तक के रिटर्न्स हमें बनाकर दिए हैं, लार्ज एंड मिड कैप ने लगभग 17% के रिटर्न्स हमें बनाकर दिए हैं। तो 3,000 की एसआईपी अगर आप यहां करते हैं, लॉन्ग टाइम में अगर आपको 16% के रिटर्न्स भी मैं मान लूं मिल जाते हैं, वैसे ज्यादा भी मिल सकते हैं, औसत भी अभी ज्यादा ही आएगा दोनों का, तो भी ये आपको अच्छे बेनिफिट्स बनाकर दे सकता है। यहां आपको रिटर्न कितने मिलेंगे, एसआईपी से कितने मिलेंगे, उसके लिए एसआईपी कैलकुलेटर पर चलते हैं और आपको अमाउंट भी बता देते हैं कि लगभग आपको फ्यूचर में कितना देखने को मिल सकता है। अच्छी बात यह है, मुझे कमेंट्स पढ़कर बड़ी खुशी होती है कि लोग जागरूक बहुत हो रहे हैं इन्वेस्टमेंट। लोग 2024 से काफी लोगों ने मन बनाया हुआ है कि नहीं, इस बार तो एसआईपी शुरू कर ही देनी है। बिल्कुल कीजिए सर, फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। देखिए, 3,000 रुपए महीना की एसआईपी, 16% के रिटर्न मैंने यहां पर एग्जांपल के लिए रखे हैं। 25 साल आप इस एसआईपी को चलाएंगे, 1.18 करोड़ 1,18,00,000 रुपए की वैल्यू आपको यहां देखने को मिल सकती है एसआईपी से, क्योंकि ड्यूरेशन आपकी बहुत बढ़िया है, रिटर्न्स मैंने एग्जांपल के लिए 16% रखे हैं। बात करूं अगर लमसम की, देखिए 1.5 लाख रुपए लमसम आप कर रहे हैं लॉन्ग टाइम में, अगर 14% का रिटर्न्स आपको यहां से मिल जाता है 25 साल के लिए, पैसे की वैल्यू 39 लाख रुपए आपको देखने को मिल सकती है। बात करूं मिड कैप कैटेगरी की, यहां रिटर्न्स अगर आपको लॉन्ग टाइम में 16-17% के भी मिल जाते हैं, तो पैसे की वैल्यू आपको 75 लाख रुपए तक देखने को मिल सकती है अगले 25 साल में। देखिए, यही होती है म्यूचुअल फंड की पावर, जब आप उसको लॉन्ग टाइम तक चलाते हैं, एसआईपी हो या लमसम हो, उसको आप लॉन्ग टाइम तक पैसे को इन्वेस्टेड रखते हैं, तो कंपाउंडिंग की पावर आपको बहुत बढ़िया देखने को मिलती है, पैसा आपका बहुत तेजी से वहां पर ग्रो होना शुरू हो जाता है, तभी मजा आता है म्यूचुअल फंड में। और दोस्तों, आप मेरे दूसरे चैनल कहानीकार राहुल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लोगों आप देख सकते हैं
इस चैनल पर मैं आपको वीडियो में समझाता हूं कि कैसे कंपाउंडिंग की पावर काम करती है, कैसे आप कम अमाउंट की एसआईपी से भी फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। अगर आप इन चीजों को और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लोगो आप देख ही सकते हैं, तो आप वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो टॉपिक था हेमंत कुमार जी का कमेंट था, उम्मीद करता हूँ हेमंत कुमार जी को टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे दोबारा कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। बाकी दोस्तों आप लोगों का भी कोई कंफ्यूजन हो या कोई सुझाव हो वीडियो को लेकर तो आप लोग भी मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी दोस्तों ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपने रिस्क टॉलरेंस को जरूर देखें और फंड के बारे में भी सर्च करें। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।